राइटर्स की बात निकली है तो मुझे याद है कि अल्फ्रेड हिचकॉक से एक बार किसी ने पूछा था कि आपने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, कामयाब फिल्में भी बनाई हैं, आपका रहस्य क्या है, आपका गुरु मंत्र क्या है एक अच्छी फिल्म लिखने का, एक अच्छी फिल्म बनाने का? तो उन्होंने कहा था कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ तीन बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। दूसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। और तीसरी बात, एक अच्छी स्क्रिप्ट। तो आई एम हैप्पी हियर टुडे दैट इस फिल्म से काफी राइटर्स जुड़े हुए हैं। फरहान हिमसेल्फ इज अ राइटर जो इस फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, अभिजात विनोद जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, और सबसे खुशी की बात है कि जावेद साहब आज यहाँ हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने आई थिंक जो हिचकॉक अल्फ्रेड हिचकॉक की कई भी बात है उसको इस खूबसूरती से अपनाया है। यानी मुझे नहीं लगता कि हम एक कामयाब फिल्म कहते हैं, हम एक फिल्म जो ज्यादा बिजनेस करती है कहते हैं कि बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है, पर मुझे लगता है सक्सेसफुल फिल्म वो होती है जो जहन में घुस जाए। आप देखिए 40 साल पुरानी फिल्में जावेद साहब की, हम आज भी उनके डायलॉग बोलते हैं। मुझे नहीं लगता बाकी, आई थिंक जावेद साहब ने उस वक्त लिखते हुए सोचा होगा कि कोई 40 साल बाद आज कहेगा मेरे पास माँ है। तो हम कहेंगे आज हमारे पास, आई कंप्लीटली अग्री जो अभिजात ने कहा कि हम जब 10 बार अटकते हैं कहीं स्क्रिप्ट में, हम याद करते हैं और सोचते हैं कि जावेद साहब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम पुरानी फिल्में निकाल के इनकी देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे इन्होंने ड्रामा एनहांस किया, कैसे हर चीज को हैंडल किया, कैसे डायलॉग्स लिखे। वो तो आज भी हम मिलते हैं तो बस मैं तो हंसता रहता हूँ उनको मिलकर, सिर्फ इज एक्चुअली मैं कहता हूँ कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी चाहिए लिखने के अलावा। तो आई एम हैप्पी इज हियर, और आई थिंक हम सब कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास जावेद साहब हैं। हमारे पास जावेद, करेक्ट। आई वुड लाइक टू वेलकम जावेद साहब ऑन स्टेज। थैंक यू।